हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सन 1972 के बाद से आज तक कोई भी चांद पर नहीं गया। आखिर इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने ये बात कही थी कि इंसानियत के लिए ये एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग साबित होगा। दोस्तों, तारीख थी 21 जुलाई 1969 और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरेनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी चांद पर नहीं गया है, लेकिन करीब आधी सदी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो चांद पर इंसानी मिशन भेजेगा। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे जुड़े एक आदेश पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा। दरअसल चांद पर किसी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लागत लगती है। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं कि चांद पर इंसानी मिशन भेजने में काफ़ी खर्च आया था, जबकि इसका वैज्ञानिक फायदा बहुत ही कम हुआ था। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिशन में वैज्ञानिक दिलचस्पी से ज़्यादा राजनीतिक कारण थे। साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश ने ट्रंप की ही तरह इंसानी मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें 1,04,000 अमेरिकी मिलियन डॉलर का बजट बनाया गया था, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नासा ने या अन्य किसी देश की स्पेस एजेंसी ने भी आधी सदी से ज़्यादा समय तक चांद पर जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि नासा सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ है। इन सालों में नासा ने कई नए उपग्रह बृहस्पति पर खोज, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में लॉन्च कर अन्य आकाश गंगाओं और ग्रहों पर शोध किए हैं। दोस्तों, नासा आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से ही चांद पर इंसानी मिशन भेजने के लिए उत्सुक रहा है और इसको बढ़ावा भी देता है। नासा का मानना है कि इंसान के चांद पर पहुंचने से कई नई जानकारियां मिलेंगी। बीते कुछ सालों में चांद पर जाने की दिलचस्पी भी बढ़ी है। सरकारी और प्राइवेट तौर पर कोशिशें पहले भी हुई हैं, जिसमें न सिर्फ चांद पर जाने की घोषणा की गई है बल्कि चांद पर इंसानी बस्ती बनाने जैसे बहुत ही विशेष योजनाएँ भी पेश की गई हैं। ये योजनाएँ कम खर्च वाली तकनीक और स्पेस क्राफ्ट के निर्माण पर आधारित होंगी। दोस्तों, चांद पर पहुंचने की दौड़ में सिर्फ अमेरिका ही अकेला नहीं है, बल्कि दुनिया के और भी बहुत सारे देश इसकी कतार में खड़े हुए हैं। रूस ने 2031 तक चांद पर पहुंचने की योजना बनाई है। इस बीच कई प्राइवेट कंपनियों ने भी स्पेस बिजनेस मॉडल लाने की बात कही है, जिसमें चांद पर खनिजों का खनन और चांद से लाए गए पत्थरों को बेशकीमती नगों की तरफ बेचने की योजना है। अमेरिका अंतरिक्ष की इस रेस में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। नासा की योजना के लिए इस बार बनाया गया बजट आम बजट का 1% है, जबकि पिछला बजट अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 5% का था। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से सन 1972 के बाद नासा आज तक चांद पर दोबारा नहीं गया। दोस्तों, कई खबरें ऐसी भी मिली जिनके मुताबिक चांद पर अपोलो मिशन के दौरान गए एस्ट्रोनॉट्स ने एलियनों को देखा था और उनसे मुलाकात की थी, लेकिन दोस्तों, ये खबरें आज तक साबित नहीं हो पाईं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने एलियन से मुलाकात की थी या उन्हें देखा था? ये आज भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है और शायद ही ये आने वाले समय में सुलझ पाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल
मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।